दोबारा करें। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ जान नवाब नहीं, ये है संदीप डब्बास, और कराची नहीं, ये है कनॉट प्लेस। अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आप दिल्ली आए हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब है कि जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी को खड़ा कर देना, और ऑरेंज लाइट का मतलब है कि और तेज भगा दो, जैसे कि अगली जो रेड लाइट होने वाली है वो कभी ग्रीन होगी नहीं। दोस्तों मेरा नाम संदीप है और ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। मैं आज कनॉट प्लेस में आया हूँ। हालांकि ये हो सकता है आप लोगों के लिए इतना इंटरेस्टिंग चीज़ ना हो, लेकिन मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन ना तो मुझे कोई स्टोरी मिल रही थी, ना मुझे कोई इंस्पिरेशन मिल रही थी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सोच ली वो ये है कि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए आदमी को। कम से कम आदमी को ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं करी या मैंने ट्राई नहीं करा। आज मैं आया हूँ कनॉट प्लेस के अंदर, मतलब ये सेंटर ऑफ सिटी है, दिल्ली का दिल भी बोल सकते हो। वैसे दिल्ली का दिल जो है वो चांदनी चौक है, लेकिन अगर आप दिल्ली आए और कनॉट प्लेस नहीं आए तो दिल्ली आए क्यों? तो इतना सब कुछ है देखने के लिए यहाँ पर। तो मुझे भी उम्मीद है कि मेरा व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और साथ में एक सरप्राइज़ है आपके लिए, तो उसके लिए बने रहिएगा व्लॉग में बिल्कुल एंड तक। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा अलीबाबा का खजाना गुलजा सिमसिम, और ये बम्बार्डिंग होने वाली है, जो बड़ी डील होने वाली है यहाँ पर। शूट आउट एट नॉर्थ प्लेस, और इसमें लगा हुआ है 2.1 GHz का प्रोसेसर, साथ में लगी है 16 GB की रैम, और जब भी आप इसके ऊपर कैमरा रखेंगे तो खुद ब खुद ही आपका अच्छे से शूट करके देगा। जैसे हमारा जो शूट होने वाला है इसके बाद वो ऑटो मोड पे जाने वाला है, हमारे काबिले तारीफ सिनेमेटोग्राफर, जो एक वर्ड में मैंने पहली बार ही बोला, इससे पहले मैं सिनेमेटोग्राफर रूहानी भाटिया, वैसे रूहानी के साथ भाटिया जा नहीं रहा ना, मतलब ही लगाते हैं। अच्छा ठीक है। नो बाबा जाओ, यू कैन गो, ओके चलो, हम चाह रहे हैं ना, हाथ उठ जाएगा मेरा, मैं फेंक के मारूंगा। साढ़े चार बज चुके हैं यार, सुबह से सीपी कवर करते करते अब लगी है भयंकर वाली भूख, और लिटरली भूख इतनी लगी है कि इस वक्त मैं बड़ी से बड़ी थाली खा सकता हूँ। तो मैंने अभी ऑर्डर करी है आर्डर 2.1 से एक मोदी जी की 56 इंच वाली खली बली थाली। अब इस थाली में क्या स्पेशल है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये इंडिया की सबसे बड़ी थाली है। अब वो तो हम भी देख लेंगे अभी थाली आएगी तो कितनी बड़ी वो थाली होगी। अब इतनी देर में ये सूप पीता हूँ, और कहते हैं कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, तो इतने ऑर्डर आता है मेरे टेबल पे, आप भी सीपी घूम के आइए। जे मां दा दूध पीताई ता आ सामने ये 10 किलो की थाली उठाते हुए 74 kg की ओवर एक्टिंग। तो जैसा कि हमने उम्मीद की थी, ऑनेस्टली बताऊं तो उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ी ये थाली है, मतलब कि 10 किलो मैंने अभी उठा के देखा, आपने देखा होगा शॉट्स के अंदर, और भूख इतनी ज़ोर की लगी हुई है कि हमारे जो कैमरामैन साहब हैं रूहानी जी, उनसे तो रुका नहीं जा रहा है, और मेरे ख्याल से हमें भी स्टार्ट कर देना चाहिए। सो चीयर्स, और जैसे जैसे मैं खाऊंगा बाद में आपको दूंगा इसका पूरा रिव्यू। तो अब बिना ठंडा किए खाने को स्टार्ट करते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आप दिल्ली आए हैं तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब है कि जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी को खड़ा कर देना,
और ऑरेंज लाइट का मतलब है कि और तेज भगा दो, जैसे कि अगली जो रेड लाइट होने वाली है वो कभी ग्रीन होगी नहीं। आज वो बड़ी सी थाली खाते हुए मेरे दिमाग में एक बात आई कि शेयरिंग करना कितना जरूरी है। इसलिए नहीं कि मैं अकेला इतनी बड़ी वो थाली खा नहीं सकता था, इसलिए भी कि हमारे देश में लाखों लोग भूखे पेट सो जाते हैं। तो ऐसे में जब भी मौका मिले शेयर करना ना भूले। और इस सीन को करने के लिए मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि माहौल जरूरी है। बाइकें उठ गई भाई, लोगों की बाइकें उठ गई भाई, मतलब 20 रुपए नहीं देने लोगों ने, हाँ चलान कटवा लेंगे, गाड़ी उठवा लेंगे, 20 रुपए नहीं देने बस।